हाय गाइस, वेलकम टू श्रीप्रीति एजुकेशन। आज के हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि हम फिल्मोरा के मदद से वॉइस को कैसे एडिट कर सकते हैं। वॉइस के साथ साथ हम बैकग्राउंड म्यूजिक को भी देखेंगे, वॉइस में से नॉइस कैसे हटा सकते हैं, किसी वॉइस की क्लियरेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर किसी वॉइस को हम भारी या फिर इसको पतला कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने दो फाइल्स ले ली हैं जिसमें मुझे एडिट करना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये फाइल्स यहाँ पे कैसे आएँ तो प्लीज़ हमारा पहले वाला वीडियो देखिए, फिर आपको पहले वाला वीडियो जो है वो बेसिक है एकदम, उससे आपको पूरी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। आज हम थोड़ा म्यूज़िक को मैनिपुलेट करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये मैं ड्रैग करके नीचे ले आया और ये मैंने इसके आगे लगा दिया। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले वाले से। सुन में ये वाला मुझको पहले लगाना था, तो ये हमारे पास आ गया। चलिए अब टाइमलाइन को हम और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आज हम म्यूजिक पे काम कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो में सुन सकते हैं कि घरघराहट बहुत आ रही है। हाय गाइस, आपका स्वागत है। मैंने बहुत देर से बोलना शुरू किया है, मतलब कि यहाँ तक मुझे पूरा साइलेंस चाहिए, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे बैकग्राउंड में भी बहुत सारी नॉइज आ रही है। हाय गाइस, ओके, तो हम क्या करेंगे कि बस सिंपली आपको पहले तो ये जो वॉइस है इसे डिटैच कर लीजिए, डिटैच ऑडियो करके। अब हम काम करेंगे इस वॉइस को। मैंने इसे ऑडियो सेकंड पे ले आया हूं ताकि हमें इसे काटने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इसे काटते हैं। यहां तक मुझे साइलेंस चाहिए। आप वेवफ्रंट्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहां पे कट कर रहा है। जब मैंने वे थोड़ा सा वॉइस को सुना और वेव फ्रंट्स को देखा तो पता चला कि मैंने यहाँ से बोलना शुरू किया है, तो बस यहाँ पे कट कर देते हैं और ये हमारा कट हो गया है यहाँ पे, और ऊपर वाला वीडियो हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो इसको तो हम कर देते हैं एकदम साइलेंस। साइलेंस करने के लिए या तो आप इसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं और इस ऑडियो पार्ट का वॉल्यूम कम कर सकते हैं। माने आप यहाँ से जो डेसिबल्स आ रहा है वो देखिए, यहाँ पे डेसिबल्स माइनस इन्फिनिटी डेसिबल्स आ रहा है, तो अब आपको इसकी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। देखिए हाय गाइस, ओके, ये तो हमारा हो गया पहला पार्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। तो हाय गाइस, आपका स्वागत है श्रीप्रीति एजुकेशन। तो यहाँ पे श्रीप्रीति एजुकेशन बहुत नॉइस आ रही है। सिंपली आपको इसको सिलेक्ट करना है, यहीं पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास और ऑप्शंस खुल जाएंगे ऑडियो को एडिट करने के लिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड नॉइस, आप इसे सिंपली बस टिक कीजिए पहले, फिर सुनते हैं, ओके कीजिए। हाय गाइस, आपका स्वागत है श्रीप्रीति। ठीक है, यहाँ पे हुआ ये कि मेरी वॉइस में से नॉइज हट गई। हाय गाइस, आपका स्वागत है। बैकग्राउंड में जो नॉइज है वो नहीं हट पाई क्योंकि अभी हमने उसे वीक ही रखा है। ठीक है, अब हम इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो बैकग्राउंड नॉइस का ऑप्शन है इसे थोड़ा बढ़ा देंगे। अब करके देखते हैं श्रीप्रीति एजुकेशनल में। अब थोड़ा कुछ फर्क पड़ा, हालांकि हमारे वेव फ्रंट्स नीचे एकदम डाउन नहीं हुए। इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा आप अडोब ऑडिशन, हमारा जो
बाद में अभी इसके ऊपर भी लेक्चर्स आएंगे, पर वो एकदम बेस्ट थिंग है अगर आप चाहते हैं कि एकदम आपका स्वागत है नॉइस रिमूव हो जाए। पर यहाँ पे भी हमारे बहुत हद तक नॉइस रिमूव हो गई है। हाय गाइस, आपका स्वागत है श्रीपति एजुकेशनल में। यहाँ पे भी हमारी बहुत हद तक नॉइस रिमूव हो चुकी है। अब एक थोड़ा सा एक काम और बचा हुआ है, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। वो है इक्विलाइजर को सेट करना। तो यहाँ पे हम इक्विलाइजर देखेंगे तो अभी वो डिफॉल्ट पे है, ठीक है, पर इसे हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये वाली जो फ्रीक्वेंसीज आप देख रहे हैं, हाई पिच फ्रीक्वेंसीज हैं, ये लो पिच फ्रीक्वेंसीज हैं। अब बेसिकली वो करना क्या है कि आपको ये थोड़ी सी ऊपर कर देनी है, इससे आपकी वॉइस भी सुधर जाएगी जो आप बोल रहे हैं, और जो बैकग्राउंड में नॉइज है वो भी रिमूव हो जाएगी। कोई मेथड नहीं है, ये ट्रायल एंड हिट मेथड है। ओके करते हैं। हाय गाइस, आपका स्वागत है श्रीपति एजुकेशनल में। बहुत हद तक हमारी वॉइस यहाँ पे ठीक हो गई है। हाय गाइस, आपका स्वागत है श्रीपति एजुकेशनल में। एक काम और कर सकते हैं हम कि जब मैं इसे प्ले करूं तब आप थोड़ा गौर से देखिएगा। हाय गाइस, आपका स्वागत है श्रीपति एजुकेशनल में। हमें थोड़ी सी इसकी पिच कम कर देनी चाहिए, -2 डेसिबल से हम इसे -0 डेसिबल्स या -1 डेसिबल करीब से हम रखेंगे ताकि हमें जो आवाज है वो एकदम बेस्ट मिले। हाय गाइस, आपका स्वागत है श्रीपति एजुकेशनल में। हमें थोड़ा सा इसे कम करना और चाहिए। अब देखते हैं। हाय गाइस, आपका स्वागत है श्रीपति एजुकेशनल में। ठीक है, लेट्स गो। हाय गाइस, आपका स्वागत है श्रीपति एजुकेशनल में। अब मेरे को मेरी आवाज एकदम सही लग रही है। आपको मैं थोड़ी इसकी सेटिंग्स भी दिखा दूं। अगर हम इसे बैकग्राउंड नॉइस को क्लियर करने के लिए स्ट्रॉन्ग पे कर देते हैं तो क्या होता है, एक बार ये भी देख लेते हैं। हाय गाइस, आपका स्वागत है श्रीपति एजुकेशनल में। नॉइस एकदम गायब हो गई है, तो नॉइस को इस तरीके से रिमूव आप कर सकते हैं। हाय गाइस, आवाज भी काफी भारी आ रही है तो मैं यहां थोड़ा बढ़ा देता हूं। हाय गाइस, आपका स्वागत है श्रीपति एजुकेशनल में। थोड़ा सा हमें कम करना चाहिए। हाय गाइस, आपका स्वागत है श्रीपति एजुकेशन। ओके, दिस इज गुड। नॉइस भी हमारी चली गई, हमारी आवाज में भी थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो गया है, हमने आवाज को थोड़ा भारी कर दिया है और थोड़ा सा पतला भी किया है।
उसने आवाज में एयर ऐड कर दी है। यहाँ पे मैं जो वॉइस है वो -1 डेसिबल्स पे सेट करना चाहता हूँ। -1 डेसिबल्स के मैं प्रेफर करूँगा, वरना अगर आप पिच रखना चाहें तो 0 भी रख सकते हैं, पर कई बार क्या होता है कि हमारी आवाज़ फटने लगती है, तो ध्यान रखिए कि आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए पिच उसकी, तो 0 तक ना जाए, 0 के बाहर ना जाए, तो ये हमारी आवाज़ फटेगी नहीं। हाय गाइस, आपका स्वागत है श्रीपति एजुकेशनल में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब एक काम करते हैं, अब इसी पार्ट में हम म्यूजिक ऐड करके देख लेते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, ताकि हमारा ये वाला लेक्चर खत्म हो सके। इक्वलाइजर का आपको समझ में आ गया? इक्वलाइजर का जो वॉइस आप चाहते हैं, आपकी डिजायरेबल वॉइस क्या है, उस हिसाब से आप इक्वलाइजर को मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इक्वलाइजर में और चेंज देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये डिफॉल्ट पे वापस सेट हो गया क्योंकि हमने वहाँ पे रिसेट किया -1 dB पे, इसलिए हमारी आवाज़ भी यहाँ पे थोड़ी सी पतली आने लगी थी। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 500 वाली फ्रिक्वेंसी इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए और इसको नीचे थोड़ा और ऊपर, इससे आपकी आवाज़ में एयर ऐड होने लगेगी, थोड़ी आवाज़ में भारीपन आने लगेगा। और यहाँ पे हमें सिंपली वही करना है, पतलापन भी चाहिए थोड़ा आवाज में, ऐसा नहीं कि बहुत भारी आवाज हो जाए। ओके कर दीजिए। हाय गाइस, आपका स्वागत है श्रीपति एजुकेशन। अब बहुत नॉइज आ रही है, असल में मैंने डिफॉल्ट पे कर दिया, गलती से वहां रीसेट कर दिया, इसलिए ऐसा हो गया। हाय गाइस, आपका स्वागत। इसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। श्रीपति एजुकेशनल में परफेक्ट। एक और बार सुनना चाहिए? हाय गाइस, आपका स्वागत है श्रीपति एजुकेशनल में। ठीक है, अब हमारे वॉइस में थोड़ा भारीपन और थोड़ी एयर है। अब हम इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आप अपने ऑडियो क्लिप्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं इंपोर्ट म्यूजिक में जाकर, वरना यहाँ पे फिल्मोरा के द्वारा ही बहुत सारे ऑडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं जो इसे आप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ट्राई दिस, बहुत ज़्यादा हो जाएगा भारी, में मेरी आवाज दब सकती है, इसलिए मैं एकदम लाइट प्रेफर करता हूँ। अब हम उन दोनों वॉइसेस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पहले लगा तो ले, सिलेक्ट तो कर ले कौन सा, इस सिलेक्शन का काम ये सही है। इसी के जस्ट नीचे मैंने ये वाला लगा दिया है। अब मैं प्ले करके देखता हूँ, फिर हम इसे दोनों वॉइसेस को मैनेज करेंगे। हाय गाइस, आपका स्वागत है श्रीपति एजुकेशनल में। हमारी वॉइस वैसे काफी ज्यादा है इसके मुताबिक, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा स्लो ही होना चाहिए। हमने इसे -1 डेसिबल्स पे रखा है, तो इसे हम 10 डेसिबल्स पे रख देते हैं, तो देखते हैं। हाय गाइस, आपका स्वागत है श्रीपति एजुकेशनल में। सही है, एकदम माइल्ड साउंड आ रहा है। इस तरीके से हमारी दोनों वॉइसेस मैनेज हो गई हैं। इधर पे भी आप इसको प्ले करके यहाँ पे ऑडियो और वीडियो को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। हाय गाइस, आपका स्वागत है श्रीपति एजुकेशनल में। तो मुझे अपनी जो मेन वॉइस है उसको थोड़ा स्लो कर देना चाहिए।
ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज आवाज आ रही है। हाय गाइस, आपका स्वागत है श्रीपति एजुकेशनल में। आप इसे जीरो के आसपास ही रखिए तो बेटर है, आपको एकदम बढ़िया मिलेगा। तो यहाँ से आप वीडियो के वॉइस को और ऑडियोस को मैनेज कर सकते हैं एक साथ, वीडियो को एडिट। आई होप आपको ये वाला हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जब ये हमारा पूरा कोर्स हो जाएगा वॉइस मैनिपुलेशन के लिए, मैं सिखाने वाला हूँ एडोब ऑडिशन। उसमें हम बहुत सारी चीज़ सीखेंगे, बहुत सारी, लिटरली बहुत सारी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग श्रीपति एजुकेशन।